हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूका टैब कैसे यूज करते हैं। यह एक वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप अपनी वीडियो को आसानी से एडिट कर सकते हो। इनशॉट कंपनी का नाम आपने सुना होगा, इनशॉट की ये एप्लीकेशन है, इसका नाम है यूकट। कंप्लीट डिटेल इस एप्लीकेशन की आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको यूकट टाइप करके सर्च करना है। ये एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, आप यही ऐप इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके का कुछ ऐड आए तो आप ऊपर कट का बटन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करके ऐड को कैंसिल कर दीजिएगा। अब नीचे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप क्या एडिट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करिए। अगर आपको वीडियो एडिट करना है तो यहाँ पर आप वीडियो सेलेक्ट करिए। अगर आपको फोटो एडिट करना है तो फोटो सेलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ पर फोटो और वीडियो दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फोटो और वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। ऊपर आपको फोल्डर वाइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप फोल्डर वाइज अपने फोटो और वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साइड में आपको मटेरियल नाम से ऑप्शन मिलेगा, अगर आप बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हो तो मटेरियल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इतनी फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए नीचे आपको यहाँ पर इस तरीके का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही जो भी वीडियो और फोटो आपने लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हो आप हमारा जो फोटो है और वीडियो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर वीडियो हमारा इंपोर्ट हो चुका है, तो हम बात करते हैं किस तरीके से आप इसे ट्रिम करोगे, एडिट करोगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको ट्रिम का मिलता है, तो जो भी वीडियो या फिर फोटो आप ट्रिम करना चाहते हो वहाँ पर आप इस बार को ले जाइए और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है वीडियो पर। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपको ट्रिम का मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा और स्प्लिट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप ट्रिम करना चाहते हो तो इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हो, ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आप कट करना चाहते हो तो कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना है जिसे आप वीडियो से कट करना चाहते हो। अगर आप स्प्लिट करना चाहते हो तो स्प्लिट पर क्लिक करिए और इस बार को वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आप स्प्लिट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ इस बार को, और हम यहाँ पर करेक्ट वाले टिक मार्क पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यह जो वीडियो है वो 20 पार्ट से स्प्लिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो और कट कर सकते हो। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर ही आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप स्प्लिट कर सकते हो। अगर आप वीडियो में जो स्पीड है उसे कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्पीड नाम से तीसरा ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसे आगे की साइड रखोगे तो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, अगर आप इसे पीछे की साइड रखोगे तो जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा आपको स्पीड बढ़ानी है या फिर कम करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 100x आप स्पीड बढ़ा सकते हो, तो काफ़ी फास्ट यहाँ पर आप वीडियो बना सकते हो। वीडियो की स्पीड बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपको करेक्ट का टिक मार्क दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी चेंजेस आपने किया है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलेगा एनिमेशन का। एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप फेड इन फेड आउट और जूम इन जूम आउट वाला यहाँ पर एनिमेशन डाल सकते हो। जब आपका फोटो या फिर जो भी वीडियो आपने सेलेक्ट किया है वो इंटर करेगा तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन उस वीडियो के अंदर आएगा। तो यहाँ से आप उसकी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हो। अगर आप फेड इन के अलावा फेड आउट देना चाहते हो, यानी जब आपका वीडियो या फिर फोटो एंड होगा तो किस तरीके का एनिमेशन होगा, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो फेड इन फेड आउट दोनों एनिमेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई वीडियो सेलेक्ट किया हुआ है तो वीडियो में आपको और भी ऑप्शन मिलेगा, लाइक वॉल्यूम है। अगर आप वॉल्यूम को कम करना चाहते हो या फिर म्यूट करना चाहते हो तो वॉल्यूम पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे म्यूट कर सकते हो पूरा, और डबल करना है तो आप इस बार को 200 कर दीजिए, तो जो म्यूज़िक का आवाज़ है यानी जो वॉल्यूम है वो 200 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप वीडियो पर क्लिक करते हो तो वॉल्यूम के बाद यहाँ पर भी आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है और डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप फोटो या फिर वीडियो को क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पर क्रॉप का भी ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरीके से आप क्रॉप भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको रेशियो चेंज करना है तो क्रॉप वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा, जिस रेशियो में भी आप वीडियो को एडिट करना चाहते हो या फिर अपनी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट रेशियो है मैं उसी रेशियो में वीडियो को एडिट करूँगा, तो मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिप्लेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हो यह जो आपने फ़ोटो अभी सेलेक्ट किया हुआ है या फिर जो वीडियो आपने सेलेक्ट किया हुआ है यह वीडियो यहाँ से हट जाए और इसके प्लेस पर कोई और वीडियो या फिर फोटो आ जाए, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और रिप्लेस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जो भी फोटो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे वो फोटो आपने जो जिस फोटो को रिप्लेस करना है उस फोटो से रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने वीडियो सेलेक्ट किया हुआ है तो आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए रिवर्स का ऑप्शन है, रिवर्स पर क्लिक करोगे तो वह जो वीडियो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। इस ऑप्शन का यूज़ कर आप काफ़ी मैजिकल वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कॉपी करना चाहते हो सेम वीडियो को तो कॉपी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी पर क्लिक कर दीजिए आप तो वही वीडियो दोबारा से कॉपी होकर उसका एक और जो लेयर है वो साइड में आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर आपको रोटेट करना है फोटो या फिर वीडियो, तो यहाँ पर आपको लास्ट में रोटेट का भी ऑप्शन मिल जाता है,
तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरीके से फ़्लिप कर सकते हो, 90 डिग्री पर रोटेट कर सकते हो, जैसा भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके अलावा शॉर्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक कर कर आप वीडियो का जो प्लेस है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप आगे रखना चाहते हो वीडियो तो वीडियो को आगे कर रख सकते हो, अगर आप किसी फ़ोटो को पीछे रखना चाहते हो तो यहाँ से आप उठाकर इस तरीके से पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया है। यहाँ पर जब भी आप कोई फ़ोटो या फिर वीडियो इम्पोर्ट करोगे और उसके बाद आप वीडियो या फिर फ़ोटो पर क्लिक करोगे तो यही सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शन की। यहाँ पर देखिए प्लस का ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर आप फाइल इम्पोर्ट करने के बाद कुछ और फाइल यहाँ पर इम्पोर्ट करना चाहते हो तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन म्यूज़िक का मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर आप कोई भी म्यूज़िक यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो यानी सेट कर सकते हो। अगर आपको अपने गैलरी यानी फाइल मैनेजर से कोई भी फोटो अगर आपको फाइल मैनेजर से कोई भी यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करना है तो यहाँ पर आपको माई म्यूज़िक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर आप लोकल म्यूज़िक से कोई भी अपना जो सॉन्ग है वो सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर वीडियो के अंदर आप उसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लगा कर दिखा देता हूँ, एक सॉन्ग सेट कर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस सॉन्ग को सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से आप उसे यहाँ पर एडिट कर सकते हो। जो भी पार्ट आपको सेट करना है इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यूज़ पर क्लिक कर दोगे तो ओके पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद वो सॉन्ग जो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर भी आप इसे ट्रिम कर सकते हो, देखिए ट्रिम ऑल ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे ट्रिम कर सकते हो। अगर आपको इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो इजीली। उसके बाद आपको फेड इन फेड आउट वाला सिस्टम इसमें भी मिल जाता है, इसे भी आप स्प्लिट कर सकते हो, इसे भी आप डिलीट कर सकते हो, इसे भी आप रिप्लेस कर सकते हो और इसे भी आप कॉपी कर सकते हो। अगर आप किसी वीडियो से सॉन्ग को यहाँ पर सेट करना चाहते हो निकाल कर एक्सट्रैक्ट कर तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ पर देखिए म्यूज़िक पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो नाम से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा और एक्सट्रैक्ट म्यूज़िक फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना होगा आपको और उसके बाद यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए वीडियो को, उस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना होगा जिस वीडियो से आप सॉन्ग को बाहर निकालना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वो जो सॉन्ग का मतलब वीडियो का जो सॉन्ग है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर सेट हो जाएगा। तो ये है म्यूज़िक वाला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फ़िल्टर नाम से ऑप्शन मिलता है, फ़िल्टर पर आप क्लिक करोगे तो ढेर सारे फ़िल्टर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, कोई भी फ़िल्टर आप अप्लाई कर सकते हो, लगभग सभी यहाँ पर फ्री आपको मिल जाते हैं। कुछ पेड वाले भी हैं जिन्हें आप अपने इच्छानुसार यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पे कर यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर के बाद आपको साइड में ही एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आकर आप एडजस्ट कर सकते हो अपने फ़ोटो का जो भी ब्राइटनेस वगैरह है, कॉन्ट्रास्ट है, वार्म्थ है, टिंट है, सैचुरेशन है, फेड है, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाता है फ़िल्टर के अंदर। अगर आप बाहर खोजोगे तो आपको बाहर नहीं मिलेगा, आप अंदर आओगे तो फ़िल्टर वाले ऑप्शन के साइड में आपको एडजस्ट नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ माइनर चीज़ें एडिट कर सकते हो, सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, शैडो है, कलर है, शार्पन है, ग्रेन है, सब कुछ यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको और ऑप्शन मिलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए इफेक्ट नाम से है, अगर आप इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से वो इफेक्ट आप सेलेक्ट करिए जिस इफेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो। सिंपल है, इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको होल्ड कर रखना है इफेक्ट पर, तो इस तरीके से इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी आप इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हो वहाँ वहाँ पर आपको इस तरीके से इफेक्ट को होल्ड कर रखना है, तो देख सकते हो आप वहाँ वहाँ पर जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। नीचे आपको कैटेगरी वाइज ढेर सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, बीट है, मूड है, मोशन है, रिदम है, रेट्रो है, तो कोई भी इफेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बात करते टेक्स्ट वाले ऑप्शन की, तो इफेक्ट के साइड में आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी टेक्स्ट वगैरह आप लिखना चाहते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। टेक्स्ट एडिट करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट पर आप क्लिक करिएगा, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। डबल ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो और कलर वाले बार पर क्लिक करके आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक स्टार वाला आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, फेड इन, जूम इन, जूम आउट, यानी किस तरीके से आपका टेक्स्ट एंटर करेगा। लास्ट में आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करके जो कैरेक्टर है उसमें आप उसका जो लेंथ है उसे घटा बढ़ा सकते हो, लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हो, ओपासिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यह है टेक्स्ट वाला ऑप्शन, इस तरीके से आप टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो, साइड वाले बार पर क्लिक कर आप टेक्स्ट की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको स्टिकर नाम से ऑप्शन मिलेगा, स्टिकर पर क्लिक करके आप कोई भी स्टिकर यहाँ पर ऐड कर सकते हो, सब कुछ फ्री यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो कोई भी स्टिकर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। स्टिकर ऐड करने के बाद आप स्टिकर को भी एडजस्ट कर सकते हो, स्टिकर में भी एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी स्टिकर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। स्टिकर के बाद आपको PIP नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर आप कुछ इस तरीके की एडिटिंग कर सकते हो, यानी अगर आपके फ़ोटो के ऊपर कोई अदर फोटो रखना चाहते हो तो इस तरीके से PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके
आप एक फ़ोटो के ऊपर दूसरी फ़ोटो रख सकते हो। उसके बाद आपको मास्किंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये ऑप्शन भी काफ़ी एडिटिंग के लिए यूज़फुल होता है। तो इस तरीके से आप मास्किंग का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिट करते हो तो आपको पता होगा मास्किंग का क्या उपयोग है, तो आप इस तरीके से मास्किंग वाले फ़ीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मास्किंग का फीचर भी मिल जाता है। उसके बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप डिलीट कर सकते हो कोई भी वीडियो या फिर कोई भी ऑडियो, कुछ भी आप डिलीट कर सकते हो सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद देखिए PIP के बाद आपको स्पीड मिलता है, तो स्पीड आप जो भी फोटो या फिर वीडियो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हो तो वो आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है वॉइस ओवर का। अगर आप वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हो तो रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, परमिशन को आप अलाउ कर दीजिएगा और उसके बाद टैप टू रिकॉर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस ऑप्शन का यूज कर आप वॉइस ओवर कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो वीडियो को, फ्लिप कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो Q&A पर क्लिक करके आप अपने सवाल का जवाब भी ले सकते हो, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो ये है यूकट एप्लीकेशन। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वीडियो को एडिट करना है। बात करते हैं किस तरीके से अब सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर आपको सेव का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, फ्रेम रेट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो 4K में भी एक्सपोर्टिंग कर सकते हो फ्री में। क्वालिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो एक्सपोर्टिंग है वो स्टार्ट होना मतलब शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको ऐप क्लोज नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो एक्सपोर्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस ऐप का इस्तेमाल कर अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, वीडियो आपकी गैलरी में डायरेक्ट सेव हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।